ओके सो नाउ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ और एल्स का, ठीक है। टेम्पलेट में यूज़ करेंगे इफ़ एल्स का। तो बेसिकली यहाँ पर हमने टेम्पलेट पे आए और टेम्पलेट पे हमने इसे ट्रू एंड फॉल्स प्रिंट किया है इस तरीके से यहाँ पर। ओके सो ये क्या प्रिंट किया हुआ है मैंने, कार्ट। ओके सो यहाँ पर क्या किया हमने, इज इन कार्ट। तो इससे मैंने चेक किया कि ये कार्ट में, अगर ये हमको ट्रू रिटर्न करता है इसका मतलब क्या है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो मैं ये वाला डिप दिखाऊंगा, अगर वो ट्रू रिटर्न नहीं करता तो मेरे को ये वाला डिप दिखाना है। ओके तो इफ और एल्स कैसे यूज़ करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। नाउ यहाँ पर आएंगे हम डॉक्यूमेंटेशन में और टेम्पलेट का जो रेफरेंस है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, लैंग्वेज का जो ओवरव्यू है उस पर जाएंगे, देन लैंग्वेज ओवरव्यू में हमको देखना है इफ़। टैग्स पे जाएंगे एंड टैग्स में आप देखोगे ये फॉर टैग है, हमने इसके बारे में देखा हुआ था। इफ टैग अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ का। ओके इफ़ और एल्स, तो इफ़ में हम कंडीशन देंगे, अगर वो ट्रू हुआ तो ये चलेगा, नहीं तो ये चलेगा, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वापस आते हैं यहाँ पर, हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इस सारे को हमको रखना इफ़ के अंदर, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम इफ़ टैग का यूज़ करेंगे, हमने उसको किया कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज परसेंटेज साइन, ये लैंग्वेज है हमारे टैग अप्लाई करने का। तो हमने यहाँ पर कहा इफ़। ना यहाँ पर आपको कंडीशन लिखनी है, तो कंडीशन हमारे पास ये है ना, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन हमने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। तो ये कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या कहता है, अगर प्रोडक्ट कार्ट में है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर यहाँ पर ट्रू रिटर्न हुआ तो ये फॉर्म हमको शो करना है। ओके सॉरी, अगर फॉल्स रिटर्न हुआ तब हमको ये फॉर्म शो करना है। तो अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो हमको ये डिप दिखाना है, एंड करना अभी अभी एंड नहीं करना है, यहाँ पर हमको यूज़ करना है एल्स का। नाउ हमने यहाँ पर कहा एल्स, एल्स अगर फॉल्स रिटर्न हुआ तो हमको ये फॉर्म शो करना है। तो यहाँ पर मैंने कहा एंड, नाउ अब हमको करना है एंड, हमने कहा एंड इफ ना, उसको सेव करेंगे एंड हमने यहाँ पर प्रिंट किया है, मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। सेव किया एंड देन एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे, रीलोड किया तो अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, प्रॉब्लम है। ओके तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये जो है ना यहाँ पर इफ में ये कैसे ट्रीट करता है एक प्रोडक्ट, ठीक है, इसके बाद स्पेस दे दिया तो उसको कंडीशन ट्रीट करता, तो हमको ये ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर हमको स्पेस को रिमूव करना है। तो इससे पूरा एक एक्सप्रेशन है, कोई भी स्पेस नहीं होगा इसमें। नाउ सेव करेंगे एंड देन रीलोड करेंगे एप्लीकेशन को, तो परफेक्ट है यहाँ पर दिख रहा है। तो जो हमने ऐड कर चुके हैं कार्ट में वहाँ पर ये कार्ट में जो दिख रहा है, और जिसको हमने कार्ट में ऐड नहीं किया वहाँ पर बटन दिख रहा है ऐड टू कार्ट। तो ये स्क्रीन ये आप देखो थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है इसलिए, क्योंकि यहाँ पर हमने रो ऐड किया, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा मेन जो हमारा है यहाँ से, एंड यहाँ पर हमको रो अप्लाई करना, ठीक है। तो अब यहाँ परफेक्ट दिखेगा, नाउ रीलोड करेंगे एप्लीकेशन को, तो ये अब यहाँ पर परफेक्ट दिख रहा है ऐड टू कार्ट, ये सारी चीज़ें। ओके तो ये सही है। तो आप देखेंगे माइनस में जो नेगेटिव जा रहा है इसको मैं नो गटर्स को यहाँ से रिमूव करके जो रो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया वो इस पर अप्लाई करूँगा ना, उसको सेव करेंगे रीलोड करेंगे, तो ये परफेक्ट है। ओके नाउ यहाँ पर देखेंगे हम नंबर्स जो दिख रहे हैं टू इन कार्ट, ये सही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो टू इन कार्ट नहीं दिखना है, जो कि कार्ट में नंबर एक्चुअल में जो कार्ट है क्वान्टिटी का, प्रोडक्ट का क्वान्टिटी है वो हमको दिखाना है। ओके तो इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार, हमने यहाँ पर किया ये वाला जो प्रोडक्ट हमने कहा ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट किया, पेज रीलोड हुआ ना, वापस से देखेंगे कार्ट में ऐड हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कार्ट में ऐड हो चुका है, तो यहाँ पर जो उसका यूआई है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमको एक्चुअल क्वांटिटी दिखानी है, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी दिखाएंगे अपने एंड पे, एक बार ट्राई करके देखिए। हमको इसके लिए एक फिल्टर क्रिएट करना होगा और फिल्टर की हेल्प से हम उसको दिखाएंगे। ओके